स्वागत है आपके जी फैंटेसी में। आज अपन बात करें अभी भी और नीदरलैंड के बीच होने वाले ट्रायंगल सीरीज के T20 मैच के बारे में। तो इस मैच के लिए कौन होगा हमारी मेगा रैली के लिए ट्रंप प्लेयर, जानेंगे पिच रिपोर्ट और देखेंगे इस वेन्यू पे किस प्रकार का स्कोरिंग पैटर्न बनता है, पेसर को ज्यादा विकेट मिलेंगे, स्पिनर, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। साथ में बताऊंगा मेगा रैली के लिए बेहतरीन ट्रंप प्लेयर। भाई लास्ट गेम में मैंने आपको बोला था वी किंगम, गुलशन झा और मैक्स ओडाउट, भाई तीनों ही प्लेयर बहुत ही शानदार पिक रहे, तीनों का सिलेक्शन कम था और मैंने बोला था ये प्लेयर चलने वाले, तीनों ही प्लेयर ने शानदार अपन को पॉइंट दी। आज के मैच में भी कई ऐसे प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन कम है, लेकिन आपको पता है लोअर सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर ही आपको विन करवाते हैं। किस प्रकार से आपको इनको सीवीसी रखना है, कौन से प्लेयर पे आप चांस ले सकते हो, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पहले नजर डालते हैं स्कोरिंग पैटर्न पे। यहाँ देखो सेम पिच है वही, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड कीर्तिपुर, सारे मैच कीर्तिपुर में हो रहे हैं। यहाँ देखो आप नीदरलैंड ने 120 बनाए थे लास्ट गेम में, लो स्कोरिंग मैच था, ठीक है। नेपाल ने आसानी से स्कोर को चेज किया, 8 विकेट पेसर ने निकाले, स्पिनर को निकाले 4 विकेट। इससे पहले 180 बनाया था नेपाल ने, और नामीबिया चेज नहीं कर पाती है, 3 रन से मैच को लॉस करती है। 11 विकेट पेसर को, 4 विकेट मिले थे स्पिनर को। नीदरलैंड 247 बनाती है 5 विकेट के नुकसान पे नामीबिया के अगेंस्ट। याद रखना लास्ट टाइम एम लेवेट ने 100 किया था इस टीम के सामने, और 188 पे 7 बनाए थे नामीबिया, चेज नहीं कर पाई थी। 8 विकेट पेसर को मिले थे, 3 विकेट मिले थे स्पिनर को। नीदरलैंड 184 पे 4, नेपाल की टीम चेज नहीं कर पाती, केवल 2 रन से मैच को लॉस करती है, 3 विकेट पेसर को मिले, 6 विकेट मिलते हैं स्पिनर को। नामीबिया 206 पे 4, नेपाल की टीम चेज नहीं कर पाती, 10 विकेट पेसर को, 4 स्पिनर को। नेपाल ने 186 बनाए, ओमान की टीम चेज नहीं कर पा रही है, 9 विकेट पेसर को मिले, 5 विकेट मिले थे स्पिनर। तो देखोगे तो काफी क्लोज मैच यहाँ पे होते हैं, ठीक है। बाकी ज्यादातर बार ऐसा हुआ है अभी तक के मैचों में कि ब्रेकफास्ट टीम ने अच्छे मैच निकाले, हालांकि लास्ट गेम चेज टीम ने जीता है। तो ये देखते हो फिर से आप चेज टीम के साथ भी जा सकते हो, बैट फर्स्ट टीम का भी यहाँ पे एडवांटेज रहने वाला है। बाकी पेस स्पिन में कौन से प्लेयर इंपोर्टेंट रहेंगे ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से रखना है, ठीक है। यहाँ देखो दोनों टीमों के भी जब भी मैच होता है तो कौन सा प्लेयर परफॉर्मेंस करता है, भाई ये दो मैच, ये ओडीआई के मैच है, ठीक है, और ये मैच है T20 का। तो पहले अपन देख लेते हैं T20 जो लास्ट मैच हुआ था, जेड ग्रीन ने परफॉर्मेंस किया था विकेट कीपिंग से, ठीक है। इसके अलावा एम लेवेट का 100 था, इंग्लिश बैंड की शानदार पारी थी, उसके बाद तेजा ने अच्छी पारी खेली थी, ठीक है। स्कॉट एडवर्स फ्लॉप हुआ था, बैटिंग काफी नीचे आई थी, ठीक है। कोर्ट से जे स्मिथ चला था, उधर से फ्रैंकलिन ट्रिपल मैन और बेन सिकाओ, टी वेन गुटेन और वी किंगम। भाई वी किंगम शानदार प्लेयर है, बहुत ही अच्छा प्लेयर है, हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन वी किंगम इनके अगेंस्ट इतना अच्छा नहीं चला था ओडीआई सीरीज में। ये देखते हुए आप थोड़ा सा चांस भी ले लेना, ठीक है। बाकी जेड ग्रीन अच्छा चल रहा है एनक्रो, यानी हर बार जो तीनों मैचों में आपको नजर नहीं आएगा स्कॉट एडवर्स। तो ये देखते हो आप एडवर्स पे फिर से चांस ले लेना, पता नहीं क्या सहयोग बनता है कि एडवर्स इनकी मैच में डीटी बन ही नहीं पाता है। इसके अलावा एम लेविट और मैक्स ओडाउट अच्छा खेलता है भाई, तो मैक्स ओडाउट पे रिस्क ट्राई करना है। इरास्मस खेलेगा तो मस्ट पिक है, ठीक है, बेस्ट लीड सीरीज में है नहीं। इसके अलावा फ्रैंकलिन अच्छा चल रहा है, आर्यन दत्त, रोफेल वेंडिमारे, कैलविन, रोफेल वेंडिमारे, आर्यन दत्त और वी किंगम। इसके अलावा ब्रैडन स्कोल से ट्रिपल मैन अच्छा खेल रहा है दोनों मैचों में, तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहने वाले। लोपटी ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ देखो नेदरलैंड की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाली, भाई मैक्स ओडाउट के साथ ओपन करेगा लेविएट, उसके बाद इंग्लिश बैंड, स्कॉट एडवर्स, तेजन इंदा, मारून एंड क्रो, आर्यन दत्त, रोफेल वेंडी मारवे, वी किंगम, टी वेन गुप्टेन और के केल्विन आपको खेलता हुआ नजर आएगा। अब ये टीम चेंज क्या कर सकती है, भाई विक्रमजीत सिंह को खिला सकते हैं, फेडरिक क्लासन को वापस ला सकते हैं, क्योंकि लगातार मैच चल रहे हैं तो थोड़े बहुत चेंजेस टीम कर सकते हैं। भाई जो भी चेंज होगा मैच रिलेटेड, जो भी अपडेट रहने वाले हैं सब मैं आपको बताऊंगा टेलीग्राम पे, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से आप ज्वाइन जरूर करें। साथ में मेगा जेल के लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन भी मैं आपके साथ वहां पे शेयर करता हूँ, तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करें। मैक्स ओडाउट को देखो, 28 रन, 1 विकेट, 41, 28, 4, 5 और 31। मैंने बोला था देखो दो मैच फ्लॉप जरूर है, लेकिन कई बार ड्रीम टीम का मेंबर बनता है और बना लास्ट गेम में, ठीक है। आज के मैच में भी ट्राई कर लेना, सिलेक्शन अभी भी आपको थोड़ा कम दिखेगा और प्लेयर्स के बजाय, ठीक है। एम लेवियट 57, 0, 39, 54, 135, 4। भाई ये 135 की जो बड़ी पारी आई है ना, ये इनके अगेंस्ट आई, इससे पहले भी इस प्लेयर ने रेगुलर परफॉर्मेंस दिया है, तो भाई आपको टीम में अपने रखना ही चाहिए, ठीक है। इंग्लिश ब्रांड 6, 10, 46 नॉट आउट, 49 नॉट आउट, 2 विकेट, 75, 1 विकेट इनके अगेंस्ट, क्योंकि उधर वाली टीम के तरफ लेफ्ट बैटर खूब है, तो बॉलिंग भी करेगा इंग्लिश ब्रांड इस मैच में, ठीक है। वो लास्ट गेम में जरूरी है डक पे आउट हुआ है, लेकिन अच्छा प्लेयर है, रेगुलर परफॉर्मेंस दे रहा है, तो इनके जो टॉप ऑर्डर से ये दोनों प्लेयर हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। मैक्स ओडाउट को भी आप ट्राई कर सकते हो, एक पे रिस्क ले लेना। स्कॉट एडवर्स 17, 33, 4, 4, उसके बाद 33, 4, 18, बड़ी पारी नहीं है ये आजकल, ठीक है।
बाकी ठीक ठाक छोटी पारी खेल लेता है, ट्राई कर सकते हो, प्लेयर अच्छा है, प्लेयर में कोई कमी है नहीं। बाकी इनके अगेंस्ट थोड़ा सा अभी तक आंकड़े इतने अच्छे हैं नहीं। तेजा निंदा मारून 54-0, 14-31, 18 और 5, भाई 31 बनाया था इनके अगेंस्ट, अच्छी पारी खेली थी इसने, इंपोर्टेंट प्लेयर बन सकता है, ट्राई कर सकते हो, खास करके बेट फेस्ट अगर नीदरलैंड की टीम करती है। ये कोई खास प्लेयर नहीं रहेगा एन क्रॉस 51, उसके बाद 0-7, 12-46, 3 आधी बार बैटिंग नहीं आती। आर्यन दत्ता इंपॉर्टेंट रहेगा, क्यों रहेगा, उधर लेफ्ट बैटर खूब दिखेंगे, आगे बताऊंगा आपको। यहाँ देखो 6 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, तो भाई शानदार विकेट निकालता है आर्यन दत्ता, इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए बन सकता है। रोफेल वेंडी मारवे 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 23 नॉट आउट प्लस 0 विकेट। तो भाई आप चाहो तो इस मैच में एक आध टीम में रोफेल वेंडी मारवे पे रिस्क ले लेना, लेकिन आर्यन दत्त पे कम लेना, क्योंकि उधर लेफ्ट बैटर ज्यादा है तो आर्यन दत्त को ज्यादा विकेट मिलने के चांसेस रहेंगे, रोफेल वेंडी मारवे के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। वी किंगम 1 विकेट 0, 3 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, भाई कमाल की गेंदबाजी कर रहा है, इंपोर्टेंट प्लेयर है। टी वैन गुटेन गुप्टेन 0-0, 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, लास्ट गेम में विकेट ले, ऐसे रन जरूर उसने किए, तो ट्राई कर लेना, अनुभव है इसके पास ठीक ठाक। केल्विन नया प्लेयर है, इतने ज्यादा विकेट मिलते नहीं है, 3-0, 1-1, 0-2 विकेट और 0 विकेट, यहां से कोई खेलेगा नहीं। बात करते हैं नाबीबिया की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाली, एम कोरकर के साथ ओपन करेगा माइकल वेन लिंगन, उसके बाद जे कोडजे, जे जे स्मिथ, जे फ्रैंकलिन, लॉप्टी, जेड गेरेन, ट्रिपल मैन, ब्रेडन स्कोलचे, ब्रेसल और बेन सिकागो आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अब बिरासमस फिट होता है तो डायरेक्ट प्लेइंग 11 में आएगा, इसके अलावा और कोई चेंजेज होंगे नहीं। यहाँ आप देखो लेफ्ट बैटर्स आपको खूब दिखने वाले, सबसे ज्यादा गौर करने लायक बात आपके लिए ये रहने वाली, लेफ्ट बैटर 1, 2, 3, 4, 5, पांच जो बैट्समैन है इनके टॉप ऑर्डर में, ठीक है, वो पांचों लेफ्टी है, एंड बीच बीच में दो राइटी बैटर इनके पास जरूर, भाई लेफ्टी खूब है तो ये टीम फंस सकती है, अगर राइटी बैटर को पेस बॉलर स्टार्टिंग में निकाल देता फिर स्पिनर्स के सामने ये फंस सकते हैं टीम, ठीक है, ध्यान में रखना। आर्यन दत्त बहुत ही शानदार ओपन ब्रेक गेंदबाज है। एम कुरकर की फॉर्म को देखो आप, 9-29 नॉट आउट, 39-59, लास्ट दोनों गेम फ्लॉप रहा है, भाई जीएल के लिए आप ट्राई कर लेना, कैपेसिटी इस प्लेयर के पास अच्छी पारी खेलने की, इंपोर्टेंट प्लेयर आपके लिए बन सकता है, जीएल आपको जिता सकता है। माइकल वेन लिंगन 23-4, 31-10, 20-7-10, भाई फॉर्म अच्छी नहीं है, प्लेयर अच्छा है, ठीक है, चाहो तो ट्राई कर लेना, बाकी छोड़ भी सकते हो। जे कोडजे 2-0, 6-5-9, लास्ट दो गेम अच्छे रहे ठीक ठाक, तो ट्राई कर सकते हो। अगर ये पहले खेलते तो इनके टॉप ऑर्डर में दो प्लेयर आप ट्राई कर सकते हो, चाहो तो एक कर सकते हो, दो को छोड़ सकते हो। जे जे स्मिथ 17-26-34, 0-1, 19 और 50, लास्ट गेम में अच्छा दिखा है, ट्राई कर सकते हो, बहुत ही शानदार प्लेयर है जे जे स्मिथ। फ्रैंकलिन भाई बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, 4+0, 34-1 विकेट, 5-2 विकेट, सॉरी 34-3 विकेट, 5-2 विकेट, 42-1 विकेट, 37 बनाए थे लास्ट गेम में विकेट, इसको हालांकि लास्ट गेम में नहीं मिला। बाकी मस्ट पिक प्लेयर है लोपटी, 4 विकेट 1 विकेट 101 रन 2 विकेट, ठीक है, रन भी है साथ में 49 रन, 11+0, लास्ट मैच में 1 विकेट, भाई मस्ट पिक प्लेयर। इनका जो ऑलराउंडर है दोनों बहुत ही शानदार ऑलराउंडर है, इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों ही, क्योंकि उधर जिस हिसाब से इधर लेफ्टी बैटर नहीं है तो उधर राइटी बैटर, लेफ्टी बैटर उधर राइटी बैटर ज्यादा है, तो लोपटी और ब्रेडन स्कोल से अच्छे चल सकते हैं। जेड ग्रीन 2-19-6-22-42-23, लास्ट दो गेम से रोल बन रहा है और अच्छा खेल रहा है, तो ट्राई कर लेना जीएल के लिए। ट्रिपल मैन 0-23 रन 1 विकेट 4 विकेट 19 रन 2 विकेट, लास्ट गेम में 14 रन प्लस 1 विकेट, तो हर मैच में थोड़ा बहुत रनों से कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, बाकी विकेट भी इसको मिलती है, रन भी लगभग बार बना लेता है थोड़े बहुत। ब्रेडन स्कोल से आज के मैच में इंपॉर्टेंट रहेगा, 0-4 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, अच्छे विकेट निकालता है। ब्रेसल 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, 0, लास्ट गेम में पिटाई जरूर हुई लेकिन 2 विकेट निकाल गया, फिर से ट्राई कर सकते हो, युवा गेंदबाज है भाई जे ब्रेसल, इंपोर्टेंट प्लेयर बन सकता है। बेन सिकागो 1 विकेट 0, 1 विकेट 1 विकेट, लास्ट गेम में 3 विकेट निकाले सिकागो ने, यहां से कोई खेलेगा नहीं, एंड डेविन खेल सकता है, चाहो तो ट्राई कर लेना। मेगा ग्रैनलिक के जो बेहतरीन पिक आपके लिए इस गेम में बन सकते हैं, भाई सिलेक्शन इन प्लेयर्स का कम रहने वाला है लेकिन ये प्लेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं, आपको पता है हर मैच में मैं आपको ये प्लेयर पिक करवाता हूँ, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप लोअर सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर को सही से पिक करोगे सीवीसी में, आपको बता दूं तो आप बहुत ही अच्छा विन कर पाओगे। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, और बताए कि आज के मैच में कितने ट्रम्प प्लेयर्स यहाँ से पिक होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ देखो कोर्जे, कुरगर और बेन सिकागो नाबीबिया की तरफ से, और नीदरलैंड की तरफ से मैक्सो डाउड, निंदा मारून और टी वैन गुप्टेन। अब देखो ट्राई किस प्रकार करना है ये समझ लिया तो आप पक्का विन करने वाले। अगर नाबीबिया की टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो बेन सिकागो को उठाओ यहाँ से, ठीक है, लोअर सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर में से, उसके बाद आप चेंज ये कर सकते हो कि कुरगर और कोर्जियम से एक प्लेयर को ट्राई कर सकते हो, चेंजिंग टीम ठीक ठाक यहाँ पे खेल रही है, ठीक है।
एक प्लेयर यहाँ से आप उठा सकते हो दोनों टॉप ऑर्डर में से। फिर आप इनके जो लोअर ऑर्डर के बैटर है, ये एक टॉप ऑर्डर का एक मिडिल ऑर्डर का, यहाँ से एक प्लेयर आप यहाँ से मिल सकते हैं, यानी कि तीन प्लेयर आपको आसानी से यहाँ से मिल जाएंगे। अगर नीदरलैंड पहले बॉलिंग करेगी तो गुटेन को रख लो, मैक्सो डाउट को ट्राई कर लो, ठीक है, एक प्लेयर इनमें से आप ट्राई कर सकते हो, तो तीन प्लेयर आपको मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। यहाँ देखो आप कुरगर को लिया है, स्कॉट एडवर्स को लिया है, आप चाहो तो जेड ग्रीन को ट्राई कर लेना, क्योंकि इनके अगेंस्ट स्कॉट एडवर्स बहुत कम बार डीटी आए लास्ट तीन गेम में। कोर्जी इंग्लिश बैंड और तेजा निंदा मारून एम लेविएट, भाई टॉप ऑर्डर मैंने अच्छा रखा है, ठीक है, नीदरलैंड का, या मैंने लेविएट इंग्लिश बैंड को रखा है, यहाँ पे मैंने जे जे स्मिथ के साथ जे कोर्जी को फिर से रखा है, लोपटी को रखा है, लोपटी और फ्रेंकलिन को रखा है, आप चाहो तो यहाँ पे एक कोर्जे को कम करके फ्रैंकलिन के साथ सेफ जा सकते हो, ठीक है। ब्रेडन स्कोल से ट्रिपल मैन बेन सिकागो, ठीक है, या वी किंगम और आर्यन दत्त को लिया है, या लिया है ब्रेडन स्कोल से ट्रिपल मैन आर्यन दत्त और टीवेन गुटेन, आप चाहो तो राफेल वेंडी मार्वे को ट्राई कर सकते हो, एक पेस बॉलर आप इनका कम कर सकते हो नाबीबिया का, ठीक है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई लोपटी बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकता है, इसके अलावा इंग्लिश बैंट और एम लेविट, भाई दोनों प्लेयर फॉर्म में, टॉप ऑर्डर से नीदरलैंड के, ये दोनों प्लेयर अच्छी बैटिंग करते हैं, तो इनमें से आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा बॉलिंग से आप चाहो तो ट्रिपल मैन वी किंगम को भी ट्राई कर लेना। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद।